राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की नाराजगी पर उनके छोटे भाई तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तेज प्रताप मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं और उनका उनके भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं है। कोई फर्क नहीं होने वाला, भाई भाई रहेगा और पार्टी और मजबूत हो। वहीं तेजस्वी ने कहा कि तेज प्रताप की जो भी शिकायतें हैं उसे उचित फोरम पर बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। इसको देखिए बेमतलब का बेतुल का आप लोग जो है इसको हवा देने का कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ जान रहे हैं। उन्होंने कहा एमएलसी बनने के लिए इसके बाद वो अपना रामचंद्र पुरे के बारे में सवाल उठा रहे हैं। क्या बात है, उसमें दुआ की चिट्ठी की देने की एक चिट्ठी को देने के लेकर के बात हुई है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेजस्वी जी या तो उनको बनाया नहीं जा रहा है, नई जगह दिया जा रहा है, वो अलग बात है ना, लेकिन उनके रिकमेंडेशन को तो सुना ही जा रहा है। लेकिन इसी बात से तो उन्होंने कहा ये कि भाई भाई को लड़ाने की कोशिश हो रही है, बयान कोशिश करते हैं। कौन कोशिश कर रहा है? लोग कोशिश करते हैं। जो लालू जी का हित नहीं चाहते, जो भैया को अकेले जो समाज का हित नहीं चाहते, जो धर्मनिरपेक्षता का हित नहीं चाहते, आप देखिए ना बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी का तो पूरा प्लान था ना कि परिवार को तंग कर दिया करो, पूरे पार्टी को खत्म कर दो और जिस प्रकार से पूरे परिवार में मुकदमा हुआ, जब ये कर करके जब थक गए हैं तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अर्जुन को गद्दी सौंप कर खुद द्वारका चले जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।